अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश रहें, खुशियां बांटें, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करें। जब हम एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। अच्छा जी, ये जो आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, ये मैं गई थी अपनी फ्रेंड की तरफ, और क्योंकि वो काफ़ी टाइम से जो है हमारी मुलाकात, वो पाकिस्तान में नहीं थी और वापस आ चुकी थी, और हमारी मुलाकात भी काफ़ी टाइम से नहीं हुई थी। तो मैंने कहा चलें, वो काफ़ी नाराज़ हो रही थी कि मैं, वो भी मेरी तरफ़ नहीं आई, मैं भी उनकी तरफ़ नहीं जा सकी, मसरूफ़ियत की वजह से बस नहीं टाइम मिला तो नहीं जा सकी। तो बहुत प्यारी बहन है हमारी, बहुत अच्छी दोस्त है। तो मुझे हज़रत अली का यहाँ पर कॉल याद आ गया कि अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। तो जो अच्छी बहनें हों, अच्छी फ्रेंड्स हों, उनको टाइम देना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, गपशप करनी चाहिए। अच्छे लोगों के पास बैठने से हमेशा आपको अच्छी बात सुनने को मिलेगी, और अच्छी उनकी सोच होगी और वो अच्छी बात करेंगी। तो ये ऐसे ही मेरी ये फ्रेंड है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत समोसलात की पाबंद और बहुत पॉजिटिव जो है लेडी है ये, और बहुत अच्छा लगता है। फिर काफ़ी टाइम हम लोग बैठे, सबसे पहले तो नमाज़ असर अदा की हम दोनों ने, उसके बाद चाय उन्होंने काफ़ी हैवी चाय मुझे पिला दी, और मैंने कहा सिर्फ़ एक कप मुझे चाय चाहिए, स्ट्रांग सी जो चाय मुझे चाहिए, तो मुझे वो दें, बनवाएं चाय ना। काफ़ी उन्होंने जो है ना चाय के साथ एहतमाम किया, और मुझे जो है ना नहीं अच्छा लगा, तो बस उनकी मोहब्बत थी। और फिर हम लोग साथ साथ बैठे, गपशप हो रही थी, साथ साथ हम लोग चाय पी रहे थे, और गिले शिकवे मैंने कहा अब ख़त्म कर दें। तो बहुत प्यारी, अब यकीन करें कि जितनी भी इनकी तारीफ़ की जाए कम है, और बहुत केयरिंग, बहुत अच्छी हैं। तो फिर बैठे हम लोग चाय पी रहे थे, साथ साथ जहाँ पे दो ख़वातीन बैठती हैं वहाँ पे ना काफ़ी सारी बातें जो है ना पेंडिंग होती हैं करने वाली, कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो फिर काफ़ी हम बैठे, गपशप हमने की, बातें शातें हमने की। तो जब आप काफ़ी टाइम के बाद मिले ना अपनी प्यारी फ्रेंड्स को, तो आपका टाइम नहीं पता चलता कैसे स्पेंड हो जाता है, कैसे गुजर जाता है आपका टाइम। अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ कि माशाल्लाह बहुत कहते हैं ना कि दिल का इंसान जो होता है, बहुत दिल की बहुत अच्छी खिलाफ की, बहुत अच्छी खुश मिजाज और बहुत अच्छी घर की बहुत अब आप देख लें कि साथ साथ मैं व्लॉग आपके लिए बना रही हूँ कि कितना अच्छा उन्होंने घर को डेकोरेट किया हुआ है, घर को संभाला हुआ है, घर की केयर जो है ना देखभाल तो करती ही ख़वातीन है। तो माशाल्लाह बड़ी शौकीन है, और घर को बनाना संवारना ये औरत का काम होता है, घर को बनाना संवारना। और ऐसे ही ये मेरी फ्रेंड है ना, तो मैं साथ साथ व्लॉग बना रही थी, और मैंने कहा कि ये देखें, वो हर दफ़ा ना चेंजिंग करती रहती हैं घर की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है घर की चेंजिंग करते रहना, घर को एक नई लुक घर को देना बड़ा अच्छा होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह वो जो है, बच्चे भी उनके माशाल्लाह बड़े शौकीन इस चीज़ के, तो फ्रेंड तो है ही हैं। तो फिर जैसे माएँ होती हैं तो बच्चे भी फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो काफ़ी टाइम हमारा गुजरा, काफ़ी गपशप हुई और काफ़ी बातें हमने की, और यकीन करें कि बहुत अच्छा लगा। फिर चाय वगैरह पीने के बाद फिर साथ साथ जो है व्लॉग बन रहा था, और साथ साथ वो कह रही थी मेरी ना वीडियो आए, मैंने कहा आपकी नहीं आएगी, ये देखें बहुत साफ़ सुथरा, हर चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन। और जो है ना वो कहते हैं ना कि सफाई निसफ ईमान है, हमारा आधा ईमान है ये सफाई। अच्छा, उसके बाद काफ़ी देर, काफ़ी बहुत टाइम के बाद फिर मेरी मैंने कहा मुझे अब तो इजाज़त, मुझे वापस जाना घर। ये उनके बेटे ने ना फ़िश रखी हुई है छोटी वाली, ये कलरफुल फिशेज होती हैं ये रखी हुई हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगी। बच्चे ख़ासकर लड़के जो होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं वो शौकीन होते हैं। तो मैंने साथ साथ ये भी क्लिप आप सब के लिए ले लिया, और स्पैरो भी इनके बेटे ने रखी हुई है, मुझे वो भी बड़ी अच्छी लगी। और ये देखें बच्चों के शौक़ होते हैं, ये छोटी वाली यहाँ पे थी फिश ना, तो ये भी मैंने साथ साथ क्लिप ले लिया आप सबके लिए। तो अब मैं वापसी की तैयारी कर रही थी, मैंने कहा मैं जो है ना फिर भी अभी भी हमारी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी, और साथ साथ फिर मैंने कहा चलें किचन में चली गई, फिर हम बाहर आई, और साथ साथ फिर जो है ये देखिए मैंने तैयारी कर ली थी वापस जाने की, और अभी वो कह रही थी अभी भी रुक जाएं, तो हमारी बातें अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी, फिर अभी भी बातें हमारी हो रही थी। फिर साथ उन्होंने ये देखिए उनके बेटे ने स्पैरो रखी हुई है,
तो ये भी बड़ी देखें, मुझे कलरफुल स्पैरो बहुत अच्छी लगती हैं। आपको ना एक उनकी आवाज़ आती रहती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वॉइस ना। तो ये इनको रखना तो आसान है, लेकिन इनको संभालना, संभाल के रखना मुश्किल होता है। इनकी आपको केयर करनी पड़ती है, इनकी हर चीज़ का, इनका दाना पानी ख्याल करना पड़ता है आपको। तो ये देखें जी, ये फिर किचन में मैं आ गई, और देखें किचन बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा। और यहाँ पे फिर हम लोग आ गए, और मैंने कहा चलें जो है मैं साथ साथ आपको दिखाती चलूँ कि देख लें कितना अच्छा माशाल्लाह साफ़ सुथरी। तो गपशप हमारी साथ साथ हो रही थी, और मैंने कहा मुझे अब दे इजाज़त। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मुझे जाके अपनी फ्रेंड के पास। और काफ़ी अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और खुश रहे। और ये उनके लिए दुआएं हैं बहुत अच्छी। मैं अगर मेरी वीडियो देख रही हैं, मेरा व्लॉग देख रही हैं, तो खुश रहें आप हमेशा। और उसके बाद फिर मैं वापसी की तैयारी कर रही थी, और फिर मैं जो है अल्लाह हाफिज़ करके जो है मैं